नमस्कार, मैं हूँ सुभस्मिता। मैं आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं आप सबके लिए चिकन की एक बहुत ही यम्मी और डेलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन की तो आपने बहुत सारी रेसिपी खाए होंगे, क्या आपने कभी चिकन चांगेजी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो चलिए मैं आज आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं आधा किलो चिकन ली हूँ और उसे साफ कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे, इसलिए मैं इसमें आधा स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा स्पून नमक और आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसे बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें 2 से 3 स्पून बेसन भी डाल रही हूँ। अब हम इसमें 3 स्पून दही डालेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। को अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से कोटिंग हो जाए। यहाँ मैं चिकन को सारी चीजों के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढक्कन देकर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम बाकी की तैयारियां भी कर लेते हैं। यहाँ मैं कुछ साबुत मसाला ली हूँ, इसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च। इसके साथ ही हम सारे पाउडर मसाला को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 स्पून धनिया पाउडर, 2 स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, आधा स्पून हल्दी पाउडर, आधा स्पून मिर्ची पाउडर, 1 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें 1 स्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल देती हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ एक बड़ा सा प्याज को पेस्ट बना के ली हूँ और 2 मीडियम टमाटर को भी प्यूरी बना के ले लिया है। हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें 3 से 4 स्पून तेल डाल रही हूँ। तेल को भी मैं कुछ समय के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें सारे साबुत मसाला डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए सटे कर लेंगे। मैं इसमें 1.5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। हम अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चले जाने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जो प्याज का पेस्ट बना के रखे थे उसे डाल देंगे, उसे भी हम गोल्डन दिखने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा गोल्डन दिखने लगा है। अब हम इसमें जो टमाटर का प्यूरी बना के रखे थे उसे डाल देंगे, उसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। पाउडर मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे।
डाल रहती हूँ और उसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लेती हूँ। मसाला से तेल अलग होने तक हम मसाला को अच्छे से पका लेंगे। तेल अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड करके रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम जो चिकन को मैरिनेट करके रखे थे उसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें 5 से 6 स्पून तेल डाल रही हूँ। फ्राई करेंगे तो इसलिए हम तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें जो मैरिनेट करके चिकन को रखे थे उसे हम डाल देंगे। चिकन को हमें 70 से 80% तक फ्राई कर लेना है और बाकी का हम ग्रेवी के साथ पका लेंगे। चिकन फ्राई होने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। अब हम जो मसाला बना के रखे थे इसमें हम 1 ग्लास दूध डालेंगे और इसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज्यादा दूध भी डाल सकते हैं। मसालों से उबाल आने तक वेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मसाले से उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो फ्राई करके चिकन को रखे थे उसे हम डाल देंगे और उसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। चिकन को हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढक्कन देकर 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। उसके बाद हमारा चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारा चिकन चंगेजी बनकर तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। आप इस चिकन चंगेजी को रोटी, पराठा, चपाती, नान किसी के साथ भी सर्व कीजिए और इसका आनंद लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।